हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के पठार के बारे में, और यहाँ पर जो अभी देखने वाले हैं जिस पठार को, वह है हमारा दक्कन प्लेटो के अंतर्गत दक्षिणी दक्कन पठार को। और इसमें हम देखेंगे कर्नाटक, मैसूर का पठार, धारवाड़ का पठार उसी को कहते हैं, साथ ही साथ आंध्र तेलंगाना का पठार और रॉयलसीमा पठार के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछे ही जाते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और जो चैनल में नए आए हैं वो पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जितने भी पठारे पढ़ाए गए हैं वो भी सारे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ दी गई हैं वो सब सारी चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो कर्नाटक पठार जो है वह पूरा कर्नाटक राज्य में, साथ साथ उसका कुछ हिस्सा जो है हमारा तमिलनाडु राज्य में, और कुछ हिस्सा उसका है केरल राज्य में हल्का सा। तो ये जो है इसका विस्तार इस प्रकार से है। साथ साथ आंध्र प्रदेश अगर देखते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भारत के इस वाले हिस्से में पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो पठारे हैं उनके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखेंगे अभी हम लोग वह है, पहला है कर्नाटक, मैसूर का पठार, और इसी को हम लोग एक और नाम जानते हैं धारवाड़ पठार। धारवाड़ पठार पहले इसी को बात करेंगे, उसके बाद में हम अगला में जो है वह बात करेंगे आंध्र और रॉयलसीमा के बारे में। तो चलिए एक एक चीज़ को समझते हैं। कर्नाटक पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका विस्तार है 3 राज्यों में, साथ साथ कर्नाटक मैसूर पठार दक्षिण नीलगिरी पहाड़ियों में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, इसका जो दक्षिणी भाग है, यानी कि इस पठार का जो दक्षिणी भाग है वह यहाँ पे है हमारा इलायची पहाड़ी के ऊपर में नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर जाकर के यह पठार का अंतिम छोर होता है, यानी कि वो उसमें विलीन हो जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी को ही हम लोग ब्लू माउंटेन कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। मैंने आप लोगों को पिछले जितने भी ज्योग्राफी के वीडियो बनाए थे आप लोगों को बताया था, उसमें ये सब सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन में जा करके इस पठार का दक्षिणी हिस्सा खत्म हो जाती है। इसके बाद है यह पठार मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों, नीस, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलू पत्थर से निर्मित है। तो इस जो पठार है, यानी कि कर्नाटक मैसूर का जो पठार है, वह ग्रेनाइट चट्टानों से, नीस, बलुआ पत्थर से, इन सारी चीज़ों से यह हमारा मैसूर पठार बना हुआ है। यह पठार खनिज संसाधनों में धनी है। कोलार गोल्ड फील्ड, चंदन की लकड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी के लिए यह मैसूर पठार विख्यात है। दोस्तों, यह जो है हमारा कर्नाटक मैसूर का पठार, यानी कि धारवाड़ का जो पठार है, वह खनिज संसाधनों में परिपूर्ण है। इसमें भी यह धनी है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन मिल जाएंगे। उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वह है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ये जो है बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसके अलावा में यहाँ पे जो है चंदन की लकड़ी, आप लोग जानते ही हैं चंदन की लकड़ी जो है पूजा में काम आता है, तो यह भी वहाँ पर पाए जाते हैं इस पठार पे। और यह बहुत महंगा भी होता है, आप लोगों को पता होगा ही। चंदन की लकड़ी के लिए फेमस जो था वीरप्पन, आप लोग कभी सुने होंगे कहानी इसके बारे में, या तो जानते होंगे। तो चंदन तस्कर का नाम जो था उनका नाम था वीरप्पन। तो वो इसी चंदन की लकड़ी के लिए ही तस्करी किया करते थे, जो कि कर्नाटक पठार में उगाया जाता है। इसके बाद में है कोलार गोल्ड फील्ड, आप लोग सुने होंगे, इसमें एक मूवी भी बना हुआ है KGF, आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे कोई। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है वह भी हमारा कर्नाटक मैसूर पठार में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इस पे मूवी भी बना हुआ है। प्रमुख शहर की बात करते हैं तो मैसूर, बेलगाम, गुलबर्ग, बंगलुरु, बीजापुर, बेल्लारी आदि। तो यहाँ पे जो है प्रमुख शहर है उसमें है, आप लोग देख रहे हैं, बंगलुरु जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है, साथ साथ बीजापुर है, गुलबर्ग है, बेलगाम है, मैसूर जो है, मैसूर के नाम से ही यह मैसूर का पठार या कर्नाटक का पठार हुआ है। तो ये सब सारे जो हैं वो यहाँ के प्रमुख शहर हैं इस पठार पर स्थित। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। तो प्रमुख नदियाँ जो है वह है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, सरावती आदि। ये जो नदियाँ हैं वह सब सारे इस पठार की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। और इसमें से जो है जोग जलप्रपात, जिसको अभी नया नाम मिला है महात्मा गांधी जलप्रपात, तो यह जो है हमारा इस सरावती नदी पर ही यह जलप्रपात बना हुआ है। और यह है हमारा कर्नाटक मैसूर पठार में। जोग जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह है हमारा 253 मीटर, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जोग जलप्रपात जो है वह हमारा सरावती नदी पर है, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 253 मीटर, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद में है हमारा पूंचीकल जलप्रपात। ये है, ये एकदम नया है, लेटेस्ट है, और यही है अभी हमारा पूरे भारतवर्ष का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये आपको याद रखना है, भारत का भी वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो यह है हमारा पूंचीकल जलप्रपात। पहले हमारा हुआ करता था जोग जलप्रपात, जो कि सरावती नदी पर है, और इसी का एक अन्य नाम जो है वह है हमारा महात्मा गांधी जलप्रपात। ये आपको इसमें भी याद रखना है, दोनों में से कोई से भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वह हमारा वाराही नदी पर है। कौन सा नदी? वाराही नदी, वाराही नदी। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात की, तो वह है हमारा 455 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई हुआ है हमारा 455 मीटर, और यह है अभी भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात। ये आपको याद रखना है। ये तो ये दोनों जो है जलप्रपात, वो तो ऊंचाई में फेमस है ही, तो ये सब सारे कहाँ पर मिलेंगे हमें? तो हमें मिलेंगे ये कर्नाटक मैसूर पठार में। तो आपको इतनी सारी जानकारी जो है वो आपको कर्नाटक मैसूर पठार के बारे में जानना है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, नदियाँ जो हैं, वो सब सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र पठार या रायलसीमा पठार के बारे में। आंध्र तेलंगाना का पठार का जो विस्तार है वह कहाँ कहाँ है इसको देखते हैं। तो आंध्र पठार का जो विस्तार है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार हुआ मेन रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, इसी कारण से इस पठार का नाम इन्हीं दोनों राज्यों के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इस पठार का जो है विस्तार तो मैंने बता दिया, और कृष्णा नदी आप लोग यहाँ मैप में देख रहे हैं, तो कृष्णा नदी जो है वह तेलंगाना आंध्र का पठार को दो भागों में बांटती है। जैसे कि छोटनागपुर पठार में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि दो भागों में जो बांटने वाली नदी थी वह थी दामोदर नदी, उसी प्रकार से इस पठार को जो विभाजन करती है दो भागों में हुआ है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी दो भागों में बांटती है, और इसका जो ऊपरी वाला जो भाग होता है वह गोदावरी नदी के दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है, यानी कि इसका जो उत्तरी विस्तार है उसको हम लोग कह सकते हैं गोदावरी नदी तक। तो कृष्णा नदी दो भागों में बांटती है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो कृष्णा नदी ये जो है आंध्र तेलंगाना पठार को दो भागों में बांटती है। इस पठार में अगर बात करते हैं प्रमुख शहर, तो है हैदराबाद, सिकंदराबाद, कुरनूल, निजामाबाद, ये सब यहाँ के प्रमुख शहर हैं इस पठार में। हैदराबाद और सिकंदराबाद तो आप लोग जानते ही होंगे, ये फेमस नाम है, तो ये हमारे इस पठार पर पाए जाने वाले प्रमुख शहर हैं। प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो गोदावरी, कृष्णा, पेनुरु, ये यहाँ के इस पठार की नदियाँ हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यह है हमारा आंध्र तेलंगाना का पठार। अब बात करते हैं रॉयल सीमा पठार के बारे में। तो तेलंगाना पठार और आंध्र प्रदेश पठार के अलावा में रॉयल सीमा पठार के बारे में, तो रॉयल सीमा पठार का जो विस्तार है वह आंध्र तेलंगाना पठार के पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है, और साथ ही साथ इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है। तो इसका जो है पश्चिमी भाग है वह आंध्र तेलंगाना पठार के पश्चिमी भाग में है, और साथ साथ में इसका जो दक्षिणी विस्तार यानी कि रॉयलसीमा पठार का जो दक्षिणी विस्तार है वह आपका तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। तो आपको ये याद रखना है। और यह जो रॉयलसीमा पठार है उसको चट्टानों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यह पठार पूरी तरीके से चट्टानों से ही निर्मित है यहाँ पर। तो यह जो क्षेत्र है वह उतने ज़्यादा विकसित नहीं है, और पठारों के अपेक्षा यह विकसित नहीं हुआ है, तो इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं चट्टानों की भूमि। तो यह किसको कहा जाता है? तो यह रॉयल सीमा पठार को कहा जाता है। इसका विस्तार जो है आंध्र तेलंगाना राज्य के जो है वह पश्चिमी भाग में है, और साथ ही साथ में इसका जो दक्षिणी हिस्सा लगता है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में लगता है, और इसी पठार को हम लोग कहते हैं चट्टानों की भूमि। तो आप इस प्रकार से ये जो है दक्षिणी दक्कन पठार के अंतर्गत में मैसूर, कर्नाटक का पठार या धारवाड़ का पठार उसी को कहते हैं, साथ ही साथ रॉयल सीमा पठार, आंध्र तेलंगाना का पठार को भी देख लें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से जो जुड़ी जानकारी होगी वह एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। तो जो चैनल में नए आए हैं वो पिछली वीडियो को जाकर के भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे पठारों के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। थैंक यू दोस्तों।